हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष किचन। फ्रेंड्स, आज मैं सोया चिल्ली बनाऊंगी। सोया चिल्ली बनाने के लिए हम यहाँ सोयाबीन लेंगे और इस सोयाबीन को हम सबसे पहले बॉईल पानी यहाँ देखिए बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम सोयाबीन को डाल देंगे। इसे जब पानी पूरा खौलने लगे तभी सोयाबीन को डालना है, इससे सोया चिल्ली बहुत अच्छा बनेगा। सोयाबीन खौल करके एकदम फूल जाएगा तब हम इसको उतारेंगे। सोयाबीन बॉईल हो चुका है, इसके पानी को हम छान लेंगे, दो तीन बार इसको धो भी लेंगे और इसको निचोड़ना भी। इसे हम दो तीन बार पानी से धो लिए हैं। अब इसके पानी को हम इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए निचोड़ना है, और इसको इसलिए निचोड़ना है क्योंकि इसके अंदर बहुत पानी रह जाता है, और इसके पानी को नहीं निकालेंगे तो चिल्ली अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से इसके पानी को हाथ के दबाव से निचोड़ लेंगे। इसका पानी हम पूरी तरह से निचोड़ लिए हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कॉर्नफ्लोर लेंगे, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें मसाला डालेंगे हम, काली मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया, इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा केवल इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे और इस सोयाबीन को इसमें मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब इस सोयाबीन को हम इसमें फ्राई करेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक इसको इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। सोयाबीन ये पूरा फ्राई हो चुका है, ये अच्छी तरह से देखिए ब्राउन करके इसको हम फ्राई किए हैं। अब इसका ग्रेवी हम बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, चार चम्मच तेल। अब इसमें प्याज, कैप्सिकम और ये हम हरी मिर्च, आप मिर्च अपनी इच्छा अनुसार लीजिए, जैसा तीखा पसंद करते हैं। इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे, उससे टेस्ट नहीं आएगा। इसमें कटा हुआ डालेंगे। इसको भी भून लेंगे। अब मसाला डालेंगे। मसाला काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया, इसको थोड़ा भूनेंगे। अब ये जब तक थोड़ा भूनता है तब तक हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। इसका ग्रेवी बनाने के लिए हम एक बाउल में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं। इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा। टमाटो सॉस, टमाटो सॉस थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। चिल्ली सॉस,
चिल्ली सॉस जैसा आपको तीखा पसंद हो वैसा डालिए आप। सोया सॉस 3 चम्मच सोया सॉस हम डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला कर लेंगे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे हम। नमक हम सोयाबीन में भी डाले थे, अभी हम ये प्याज के लिए डालेंगे। अब हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आप ग्रेवी वाला चिल्ली खाना चाहती हैं तो आप इसको ऐसे ही उतार सकते हैं, और अगर आप ड्राई खाना चाहती हैं तो इसे और ज़्यादा इसे सुखा लीजिए। सोया चिल्ली बनकर रेडी है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।